हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ एट योर होम. माई सेल्फ रेनु धामा फ्रॉम गेटवे इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागपत. वेलकम टू यू इन योर ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ सब्जेक्ट, जिसमें आज आप अपना नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 13, जिसका टॉपिक है डाटा हैंडलिंग, स्टार्ट करेंगे. जिसमें आप पहले ये देखिए पिछली क्लासों में आपने क्या क्या सीखा है. द एडजॉइनिंग पिक्चोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ए क्लास ऑफ वीक. ये आपको बराबर में पिक्चर दिखाई दे रही है. ये पिक्चोग्राफ आपको क्या शो करता है कि एक क्लास में अलग अलग डेज में कितने कितने बच्चे जो है वो प्रेजेंट थे. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है एक फेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका की या इसको बोल सकते हैं इसका स्केल है कि एक फेस जो है वो 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है. ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर डेज दिए हुए हैं, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के फेसेस दिखाए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5. अब जब वन फेस 10 स्टूडेंट्स के, इसका मतलब 5 कितना हो गया, 50. इस तरीके से आपको ये पढ़ना है. मंडे में 10, एक फेस 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है तो मंडे में 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. ट्यूसडे में कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60. इस तरीके से आप इसको काउंट कर सकते हैं. नाउ रीड दिस एंड आंसर द फॉलोइंग. रीड द पिक्चोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसको देखकर आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 60, अगर क्लास की कुल स्ट्रेंथ जो है वो 60 की है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबसेंट ऑन वेडनेसडे वाज. तो वेडनेसडे में कितने बच्चे एबसेंट थे. अब वेडनेसडे में आप यहाँ देखो 10, 20, 30, 40, 50, तो कितने कम है, 10 कम है. तो कितने बच्चे एबसेंट थे, 10. कितने एबसेंट थे यहाँ पर, 10. एक फेस कितने के इक्वल है आपका, 10 के. तो 10, 20, 30, 40, 50 और 10 अभी आपके रहते हैं एबसेंट हैं. ठीक है, अब इस तरीके से द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू लीव ऑन. सबसे ज़्यादा बच्चे जो है जिन्होंने छुट्टी ली, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू लीव ऑन. कितने सबसे ज़्यादा कब छुट्टी पर रहे, ठीक है, ये रहे यहाँ पर कौन से थे, यहाँ पर देखो फ्राइडे में कितने हैं, सिर्फ 20 प्रेजेंट हैं. तो कितने सारे एबसेंट हैं, मैक्सिमम कितने एबसेंट हो चुके हैं यहाँ पर, 60 में से 20 माइनस कर लीजिए, कितने हो गए, 40. इस तरीके से आप इसको करें. तो यहाँ आपने भर दिया आपने 40 स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जिन्होंने छुट्टी ली. ऑन डैश एंड डैश एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू लीव. इन दिनों दोनों बराबर जो है, किस और किस दिन दोनों बराबर स्टूडेंट्स छुट्टी पे थे, देखो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10, एक एक फेस कम है. तो यहाँ दोनों जगह सेम डे, तो यहाँ डेज के नेम लिखने हैं, कौन कौन से, मंडे एंड वेडनेसडे. मंडे फिल करोगे यहाँ पर और यहाँ पर वेडनेसडे, EDNESDAY, वेडनेसडे. ठीक है, मंडे एंड वेडनेसडे ऑन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू लीव. ठीक है, नेक्स्ट ऑन डैश द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. इस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट थे, आपको दिख रहा होगा कौन सा, ये ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन, ऑन ट्यूसडे. ठीक है, द अटेंडेंस इन द होल वीक वाज. पूरे सप्ताह की अटेंडेंस कितनी होगी, इन सारे फेसेस को जोड़ के उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर जीरो लगा लीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 बच्चे पूरे सप्ताह जो है प्रेजेंट थे. 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा, 210, क्योंकि एक फेस 10 के बराबर है. तो पहले फेस काउंट कर लिए 21 और उसको 10 से मल्टीप्लाई, 210 स्टूडेंट्स जो है पूरे वीक में प्रेजेंट रहे थे. आ गया समझ में. इसी तरीके से अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिए ज़रा. ये है आपका द गिवन बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेंड बाय 10 स्टूडेंट्स. यहाँ पर 10 बच्चों के जो है नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको अच्छे से, और ये जो है 10 बच्चों ने नंबर पास प्राप्त किए हैं क्लास टेस्ट में, और 10 में से ही हैं इनके नंबर. स्टडी द बार ग्राफ, ध्यान से देखकर आंसर देना है. अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको, ये बच्चों के नाम हैं, आशा, बेन, रितु, दीपक, आर्या, फरीदा, ग्रेस, हनी, श्रेया, प्रिया. अब इसमें पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्कोर इन द टेस्ट. टेस्ट का मैक्सिमम स्कोर कितना था, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा नंबर कितने थे भैया. यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा 10 out of 10 भी हैं, तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो जाएगा, 10. हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स. कितने बच्चों के मैक्सिमम थे, मैक्सिमम कितने बच्चों के थे, 1, 2, 3. तीन बच्चे उस लेवल तक पहुँचे हैं, तो यहाँ हो गया 3 स्टूडेंट्स. ठीक है, नेम द
पेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 5, उन बच्चों के नाम बताने हैं जिन्होंने 5 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। 5, अब यहाँ 5 के सामने देखना, 5 एक इसका है और एक ये है, दो बच्चे हैं 5 में, रितु और कौन है ये आपका, ये है ग्रेस, ठीक है। रितु और ग्रेस यहाँ दोनों के नाम लिख दोगे, रितु और ग्रेसी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पेज पर चलिए, देखिए क्या कराना है आपको। हु स्कोर्ड मोर मार्क्स, आशा और बेन, एंड बाय हाउ मच। आशा और बेन में से किसके नंबर ज़्यादा हैं और कितने। अब यहाँ पर दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन है, आशा है ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पर देखो अच्छे से, ये आशा है जिसके 4 नंबर हैं और बेन के कितने, 7। तो किसके ज़्यादा हैं, बेन के मैक्सिमम हैं और कितने, 3 का डिफरेंस है, 4 और 7 में कितने का, 3 का, बेन के ज़्यादा हैं, आशा के कम हैं। अब इसका आंसर आपको लिखना होगा कि किसके ज़्यादा और कितने कितने का डिफरेंस है। हु स्कोर मोर मार्क्स, किसके ज़्यादा थे बताए, अभी बताए आपके बेन के, बेन के ज़्यादा है ना, यहाँ आपने देखा, देखो अभी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मुड़ के मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा, बेन के ज़्यादा हैं, ठीक है। हु स्कोर मोर मार्क्स, यहाँ पर लिखेंगे पहले बेन और आशा या बेन, बेन एंड बाय हाउ मच, कितने ज़्यादा हैं, 3, ठीक है, 3 नंबर ज़्यादा है। हाउ मैनी मार्क्स डिड दीपक स्कोर, दीपक के कितने नंबर हैं, यहाँ से देखिए दीपक के मार्क्स यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको कितने हैं, 9, लिखिए यहाँ पर 9। हु स्कोर द मिनिमम मार्क्स, सबसे कम नंबर किस बच्चे के हैं, सबसे कम नंबर हैं भाई यहाँ पर, ये है प्रिया, नाम तो इतना अच्छा है और नंबर सबसे कम, लिख दीजिए यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, प्रिया की होगी सबसे कम। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करनी है। अब इसमें एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें आपको समझाई गई हैं इसी तरीके से जैसे आपको ये बताया गया, इसे देख देख कर इनके आंसर देने हैं, ठीक है। यहाँ पर बार ग्राफ है आपको दिख रहा होगा, इसमें अलग अलग ये जो स्टिक्स हैं इनको बार कहते हैं, और ये आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस कहलाती है, दिस वन इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, एक्स एक्सिस पर फेवरेट कलर लिखा हुआ है, कितने बच्चों का पिंक कलर फेवरेट है, हाइट शो करती है 60 बच्चों का, इसी तरीके से ब्लू इतने, ये आप इस तरीके से आप इस बार ग्राफ को पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें ध्यान रखना होता है कि बार की जो विड्थ होती है, ये चौड़ाई, ये आपकी प्रॉपर होनी चाहिए सबकी, और बीच में गैप भी प्रॉपर ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको लेबल कर लेते हैं फिर इस तरीके से। अब बार ग्राफ जो है यहाँ पर एक एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको देखिए नीचे नीचे एक एग्जांपल में बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा, एडवांटेज का यहाँ से देखिए, बार ग्राफ के से आप कोई भी कंपैरिजन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को समझने में आसानी होती है, कंपैरिजन कर सकते हो किसी चीज़ का आसानी से। एग्जांपल है ये बार ग्राफ दिखाई दे रहा है सुचित्रा का एग्जामिनेशन का, उसके एग्जाम में जो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के नंबर आए, इंग्लिश में, हिंदी, मैथ्स, साइंस, ईवीएस, ये इन सब्जेक्ट्स के इसके मार्क्स हैं सुचित्रा के, और ये अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाए गए हैं, सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेंड कितने नंबर मिले, इंग्लिश में इतने मिले, 60 और 70 के बीच में कितना हो जाएगा, 65, हिंदी में कितने हैं, 60, मैथ्स में कितने, 80, साइंस में 70, ईवीएस में 55, इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद अपनी एक्सरसाइज पर आ जाइए आप सीधे, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज समझा देती हूँ ध्यान से, आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा सभी बच्चों को। नाउ कम टू योर एक्सरसाइज 13.1, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आपको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है सारा आपको समझाती हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द बार ग्राफ शोज हाउ रोहन स्पेंड हिज टाइम ऑन ए नॉर्मल डे, रोहन अपना सामान्य दिन किस तरीके से खर्च करता है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड द रिप्रेजेंटेड डेटा, इस जो है डाटा के अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी बराबर में, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए ये है नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड, घंटे जो उसने खर्च किए, आवर्स में दिया हुआ समय 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है 10 घंटे का। फिर यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटीज़, क्या क्या उसने काम किए, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड, किसने कितना समय खर्च किया, यहाँ एक्टिविटीज़ क्या क्या उसने कार्य किए, एट स्कूल, स्कूल में कितना समय बिताया, स्लीपिंग, सोया कितने घंटे,
प्लेइंग, कितने किया क्रिकेट कोचिंग, फिर वॉचिंग टीवी, फिर अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच एक्टिविटी डज रोहन स्पेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, किस एक्टिविटी में रोहन ने सबसे ज़्यादा समय खर्च किया। तो अब आपको जिसका जो ग्राफ सबसे हाइट जिसकी ज़्यादा है वो कौन सा है, स्लीपिंग का। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, स्लीपिंग, योर फर्स्ट आंसर इज स्लीपिंग। इस तरीके से आप इसका पहला आंसर लिखेंगे, स्लीपिंग। तो फर्स्ट का आंसर है, आपसे पूछा गया है ऑन विच एक्टिविटीज़ डज रोहन स्पेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर, किस एक्टिविटी में रोहन सबसे ज़्यादा समय खर्च करता है, सबसे ज़्यादा समय घंटे किस में खर्च करता है, वो स्लीपिंग में। योर आंसर इज स्लीपिंग, यू विल राइट योर आंसर स्लीपिंग। मैं बुक में ही लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है, हाउ मैनी टोटल आवर्स डज रोहन स्पेंड इन स्लीपिंग एंड एट द स्कूल, दोनों का जोड़ के बताना, स्लीपिंग का भी और स्कूल का भी। स्लीपिंग का है कितना, कितने पहले एट स्कूल का देखिए कितना है, 6 आवर्स, और स्लीपिंग के कितने हैं, 8। तो 8 और 10 आपको ये दोनों जो है ऐड करने हैं, कितने हो जाएंगे, सॉरी 8 और 6, एट स्कूल के कितने हैं, ये हैं स्कूल वाले कितने, आप यहाँ पर लिख सकते हो 6, और स्लीपिंग के कितने, 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों का सम करना है, 6 + 8, दिस वन इज 14 आवर्स। आया समझ में, 14 आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन प्लेइंग एंड द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन वॉचिंग टीवी, अंतर बताना है जो उसने समय बिताया घंटों का किसमें, खेलने में या फिर इसमें वॉचिंग टीवी में, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना है। ठीक है, पहले आपको कौन सा देखना है, डिफरेंस किस किस का पूछा है, प्लेइंग वाले का कितना है आपका, 2 आवर, ठीक है, फिर आपका वॉचिंग टीवी कितने घंटे देखा, 1/2 आवर, कितना, आधा घंटा नहीं, 1 आवर, ये 2 का 1/2 कितना होगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 आवर, दिस वन इज़ 1 आवर, वॉचिंग टीवी 1 घंटा टीवी देखा, अच्छा बच्चा है, ठीक है, 1 घंटा उसने टीवी देखा। अब आपको इसका डिफरेंस पूछा है, तो 2 आवर में से 1 आवर माइनस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2 - 1, कितना आंसर आ जाएगा आपका, दिस वन इज़ 1 आवर, ठीक है, पहले वाले में प्लस करना था, 6 + 8 14 आवर हो गए, इसमें माइनस करना है, ख़त्म एक्सरसाइज। समझ में आया, बहुत इजी है, आपको पिक्चर देखकर सिर्फ ऐसे ही आंसर देने हैं, ठीक है। द बार ग्राफ शोज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ अप्लायंसेज सोल्ड बाय द शॉप इन ए मंथ, एक दुकान में कितने अप्लायंसेज उपकरण जो है वो बेचे गए वो बताए गए हैं, रीड द बार ग्राफ आंसर द क्वेश्चन, बार ग्राफ को देखो और प्रश्न के उत्तर दो। यहाँ पर अप्लायंसेज सोल्ड इन द मंथ, अप्लायंसेज जो उपकरण हैं उनके नाम बताए हैं जो महीने में बेचे गए, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव ओवन, एसी, टोस्टर, म्यूजिक सिस्टम, फिर नंबर ऑफ अप्लायंसेज सोल्ड यानी कि कितने कितने बेचे गए, वॉशिंग मशीन कितनी बेची गई, 15, इस तरीके से आ रहा समझ में, और टीवी कितनी बेची गई, 35, माइक्रोवेव ओवन 25, आप इनके सामने ऊपर लिख लें तो आपको पढ़ने में 15, ये हो गया आपका 35, और ये कितनी है आपकी माइक्रोवेव 25, एंड एसी आल्सो 25, टोस्टर 20, एंड म्यूजिक सिस्टम कितने हैं आपके 30, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी। फर्स्ट है, विच अप्लायंसेज वर सोल्ड इन द मैक्सिमम नंबर, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बेची गई आपको, सीधा सीधा दिख रहा है आपको, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है, टीवी, यू विल राइट हियर टीवी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच टू अप्लायंसेज वर सोल्ड इक्वली एंड हाउ मैनी ऑफ दीज वर सोल्ड, कौन से दो उपकरण जो हैं वो एक बराबर बेचे गए और वो कितने बेचे गए, कौन दोनों सेम कौन कौन से हैं, ये माइक्रोवेव ओवन और एसी, तो यहाँ पर आपको ये लिखने हैं इनके नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट माइक्रोवेव MICROWAVE वेव ओवन OVEN ओवन एंड AC, ये दोनों चीज़ सेम बेची गई और कितना, कॉमा लगा कर लिखिए 25। हाउ मैनी मोर म्यूजिक सिस्टम वर सोल्ड दैन टोस्टर, म्यूजिक सिस्टम कितने ज़्यादा थे टोस्टर से, टोस्टर कितने थे 20 और म्यूजिक सिस्टम कितने थे 30, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि म्यूजिक सिस्टम माइनस टोस्टर यानी कि 30 - 20 कितना हो गया आपका 10, दिस इज़ योर आंसर ऑफ द दिस लास्ट वन, ठीक है, आ गया होगा आपको अच्छे से समझ में। इसी तरीके से इसमें एक नीचे क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी ध्यान से देखिए ज़रा, इसको भी करके चल देंगे हम, अब आपकी रेंज में आ रहा है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से बच्चे, आप इजीली देख पा रहे हैं इसको। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th ऑफ ए स्कूल एंजॉय ईटिंग डिफरेंट फ्रूट्स,
क्लास फोर्थ के बच्चे हैं वो अलग अलग फल खाना पसंद करते हैं। द डाटा बिलो लिस्ट द फ्रूट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ ये दिखा रखें कितने बच्चे कौन सा फल खाना पसंद करते हैं। ड्रॉ ए बारग्राफ, इसको बारग्राफ बनाना है रिप्रेजेंट डेटा करते हुए। आल्सो फ्रेम योर क्वेश्चन, और अपने आप क्वेश्चन बनाने हैं। राइट द बेनिफिट ऑफ ईटिंग फ्रूट्स एवरी डे, और बताना है रोजाना फल खाने के फायदे क्या क्या होते हैं। अब देखो इस तरीके से ये मैंगो ऑरेंज पीच ये दिखाया ना, तो आप यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर मैंगो, ऑरेंज टीवी की जगह ऑरेंज लिख लीजिए, पीच की इस माइक्रोव की जगह पीच हो जाएगा आपका, इसकी जगह ग्रेप्स हो जाएगा, इसकी जगह बनाना हो जाएगा। और फिर इसकी हाइट जो है मैक्सिमम कितना है 24, तो अब आप इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे 5-10 ऐसे करेंगे तो 25 तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे 25 से 5, 10, 15, 20, 25 ठीक है इस तरीके से कर लेंगे आप इसको बना लेंगे। ऐसा ग्राफ बनाना है आपको और उसमें फिर शो करना है कौन सा किसके सामने आ रहा है ठीक है। आप इसको ग्राफ पेपर भी आता है बच्चों, ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हो ठीक है। ये आपका मन करे तो इस एक्टिविटीज़ को कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अब आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कल है, चोको पाई वगैरह खाते हुए आप लोग बहुत है ना। अब ये देखो यहाँ पर पाई चार्ट जो है, डाटा कैन आल्सो रिप्रेजेंट पिक्चर। इसमें एक सर्कल को जो है, सर्कल जो है तुम्हें पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, और ये स्ट्रेट लाइन कितने की 180 की, ये कितने का 90 डिग्री का राइट एंगल, ये 180 का, और ये पूरा कितने का होगा 360 का, और इसका हाफ किया तो ये 45 45 इस तरीके से। तो ये कंप्लीट एंगल जो है ये 360 का होता है, और इसके हिसाब से आप जो चीज़ों को जैसे उसमें ग्राफ पे दिखाया है इसमें अलग अलग एंगल के हिसाब से डिवाइड किया हो जाता है ठीक है। डेटा कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड पिक्चर विद द हेल्प ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट के द्वारा भी हम आंकड़ों को डाटा को दिख सकते हैं नंबरों को। ये पाई चार्ट इज ए सर्कुलर चार्ट। पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है जो द रिलेशनशिप बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट, इसमें पूरे और उसके हिस्से के बारे में, जैसे मैं बताया था अगर आपके पास एक सर्कल है और इसमें से एक ये पिज़्ज़ा है और इसमें से इतना आपने खा लिया तो कितना खा लिया 1/4, और ये बच कितना गया 3/4, इस तरीके से इसी इस रेशो के हिसाब से ये पाई चार्ट जो है ये आपका बनता है ठीक है। इन ए पाई चार्ट ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इसमें सर्कल को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आइटम डाटा आइटम, जितने भी डाटा आइटम है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए निधि हैज़ 12 कोर्सेज बुक्स, निधि के पास 12 कोर्स की किताबें हैं, 6 जो है सेल्फ हेल्प बुक हैं, 3 स्टोरी बुक हैं, 3 कॉमिक बुक हैं, और रिप्रेजेंट करना है इसको पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट में पहले तो आप सारी बुक्स जो हैं टोटल करी, 12 + 6 + 3 + 3 ये कितना आ गया 24, यानी कि इस पूरे सर्कल के आपको 24 इक्वल पार्ट्स करने। सो कंप्लीट सर्कल रिप्रेजेंट ऑल द 24 बुक्स, इसमें सारी बुक आनी चाहिए। आउट ऑफ 24 आधी हो जाएंगी, 24 का हाफ हो जाता ना, 24 का जो है 12 कितना पोर्शन है, तो आपको रेशो आपने बताई थी 12/24 ऐसे करेंगे, ये इसका कितना हिस्सा है 24 में से 12 जो है वो कितना हिस्सा है, तो 12/24 करेंगे, इसको काट देंगे लोएस्ट टर्म में, जैसे करते हैं 12 1 = 12, 12 2 = 24, 1/2 हो गया, तो आधा सर्कल किसका हो गया कोर्स बुक का। अब बची दूसरी कौन सी, सेल्फ बुक। सेल्फ बुक 6/24, 6 1 = 6, 6 4 = 24, यानी कि इसका आधे का भी हाफ का भी हाफ ये हो गया कौन सा आपका, ये हो गई आपकी सेल्फ हेल्प, ये आपकी स्टोरी ये हो गई, ये कोर्स बुक हो गई, ये सेल्फ हेल्प बुक हो गई। फिर आपकी आउट ऑफ दिस 3 स्टोरी बुक, फिर इनकी आप ऐसे किया 3/24, 1/8 हो गया, यानी कि जो बाकी बचा हुआ पोर्शन इसका भी हाफ कर देंगे बीचों बीच, और आधा स्टोरी बुक को मिल जाएगा और आधा कॉमिक्स को, इस तरीके से बन गया आपका पाई चार्ट ठीक है। यहाँ पर अब इसमें पाई चार्ट शो करके दिखाया गया और कुछ क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए इसी तरीके से। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, ध्यान से देखो आपको दिख रहा है ये हाफ जो है किसको शो कर रहा है, क्रिकेट को, और बाकी हाफ हाफ का भी हाफ कितना है फुटबॉल, और ये उसका भी हाफ उसका भी हाफ, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस वन इज कॉल्ड 1/2, दिस वन क्या इतना कहलाता है 1/2, और ये क्या कहलाता है 1/4 ठीक है। और ऐसे ऐसे इसमें कितने हिस्से होंगे, देखो चार ऐसे ऐसे चार हिस्से हैं कि नहीं, अगर हम इसको करते हैं तो ऐसे ऐसे 4 में से 1, इसका मतलब 4 1/4 चार में से एक, और ऐसे ऐसे कितने हिस्से बनेंगे 2, एक ये एक ये, तो 2 में से 1 1/2, और ऐसे ऐसे अगर हम करें तो ये देखो अभी ये चार हुए, चार के भी हाफ कर दिए, तो ऐसे इस टाइप के कितने होंगे 8, तो 8 में से ये दिस वन इज कॉल्ड 1/8, ये 1/8 कहलाता है ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन द चिल्ड्रन फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल। व्हाट फ्रैक्शन फुटबॉल जो है वो कितना फ्रैक्शन है
बच्चों को जो पसंद किया गया है। अब ये टोटल कितने हिस्से होंगे अगर इस तरीके से देखे जाएं तो आपके कितने हिस्से होंगे, ये ऐसे वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 एट करें हैं, और एट में से आपका जो है किसको पूछा गया है, फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल, फ्रैक्शन फुटबॉल का पूछा है, फुटबॉल कौन सा है आपका, ये वाला। तो आठ में से ये कितने होंगे, दो, तो 2/8 कैसे कहोगे पहले इसको, 2/8 भाई, दो इससे ऐसे ऐसे बनाएंगे तो हम सबसे छोटे वाले पार्ट के हिसाब से अगर लगाएं तो ये दो, ये हो गया ये सही है। तो इस सबके हमने बराबर इक्वल कर लिए सबसे छोटे पार्ट के हिसाब से, तो ये दो हिस्से हुए और टोटल कितने हुए, आठ, तो 2/8, और इसको जब सॉल्व करोगे कितना हो गया, 2 1 2 2 4 8 तो कितना हो गया, 1/4। आगे पास में मैंने फुटबॉल का 1/4 भी बताया था, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन हो गया। विच टू स्पोर्ट्स आर इक्वली लाइक, दो कौन से स्पोर्ट्स एक जैसे पसंद की गई, आपको दिख ही रहा है वॉलीबॉल और ये। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 160 हैं तो कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, तो आपको टोटल कितना था, 8, 8 इक्वल है 160 के, तो आपको 1/2 कितना हुआ ये पूछा है, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है 160 का आधा हिस्सा पूरा, जब 160 है तो 160 के आधे क्रिकेट वाले होंगे तो उसको हाफ कर दिया सीधा 80। इस तरीके से आपकी कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक्सरसाइज पे आ जाइए आप, यहाँ पर देखिए ठीक है। इन एन एम्यूजमेंट पार्क आउट ऑफ 100 पीपल्स 25 वर ग्रीन, 500 वोर रेड, 25 वर वोर ब्लू ड्रेसेस, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द डेटा। एक एम्यूजमेंट पार्क है और उसमें आपको मैं ये रफ अभी बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास, मैं जो है आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक सर्कल बनाया, आपको पाई चार्ट बनाना है इसमें, ठीक है, आप कंपास से बनाएंगे अच्छे से। और इसमें 100 जो लोग हैं उसमें से 25 ने ग्रीन, 50 ने ये और ये, तो आपके कितने हिस्से करेंगे, पहले 100 का हाफ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ऐसे सर्कल का हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। ये कैसे हैं आपके, यहाँ 50, ये कैसे कलर के करने हैं, रेड, यहाँ पर रेड कलर कर देना आप, ठीक है। और फिर बाकी जो बचे इसका हाफ हाफ कर लोगे, 50 का हाफ, तो 25 ये हो जाएंगे और 25 ये हो जाएंगे। इसमें कौन सा कलर करोगे, ग्रीन, ठीक है, और यहाँ कौन सा कलर करोगे, ब्लू, और बन जाएगा आपका ये पाई चार्ट, ठीक है। आ गया समझ में आपको, सिर्फ आपको यही करना है, दिस वन इज़ एम्यूजमेंट पार्क और यहाँ पर रेड कलर करोगे, ठीक है, रेड वाले वो आ जाएंगे और यहाँ पर फिर ब्लू, एक में ग्रीन, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में आपको करना है, कलर आप खुद कर लीजिएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ए फ्रूट सेलर सोल्ड 60 बनानास, एक फल विक्रेता ने 60 जो है वो केले बेच दिए, 30 आम बेचे, 15 पपाया बेचे, 15 ऑरेंजेस, एक पाई चार्ट से दिखाना है आपको। पहले आप क्या करोगे, सबका सम करोगे, 60 + 30 + 15 + 15 कितना हो गया, 30 और 30 60 और 60 कितना हो गया, 120। अब पूरे सर्कल के आपको एक 120 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि पहले तो लेना है इसका 120, ये सारा है, ये सारा कितना है, 120, 120 का हाफ कितना हो जाएगा, दिस वन इज 60। अब 60 का भी हाफ ये कितना हो जाएगा, 30, और इसका भी हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ये और 15 ये। अब आ गया समझ में, अब यहाँ पर आपको क्या शो करना है, बनानास, तो बनाना वाला कलर कर सकते हो, बनानास लिख सकते हो, या ठीक है यहाँ पर हो गए बनानास, और 30 में क्या आएंगे, यहाँ पर मैंगोज एम, और यहाँ पर क्या आएंगे, 15 में पपाया, यहाँ पर ऑरेंजेस, ठीक है। आप इनके कलर के शेड भी बन सकते हो, इस तरीके से आपको ये पाई चार्ट ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा होगा सबको बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है, टू गिवन पाई चार्ट शोज द फेवरेट एनिमल्स ऑफ ए ग्रुप चिल्ड्रन, स्टेट ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। अब यहाँ पर आपको ये देखो, ये दिखाया गया है, द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक लॉइन, बताओ कितने बच्चे जो हैं इसमें, इसको दिख रहा है आपको, ठीक है, पाई चार्ट दिख रहा है आपको, इसमें द गिवन पाई चार्ट शोज द फेवरेट एनिमल, बच्चे कितने कौन कौन से फेवरेट एनिमल को देखने जाते हैं, सबसे ज़्यादा किस किस को, ठीक है, ट्रू और फॉल्स इसके बेस पर आपको आंसर देना है, बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, डॉग, फिर सेकेंड नंबर पर आपकी कैट, फिर हॉर्स, फिर लॉइन, ठीक है। तो लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक लॉइंस, ये कह रहा सबसे कम बच्चों को लॉइन पसंद है, सही बात है,
ठीक है, सबसे कम बच्चों को शेर ही पसंद है, तो इसमें क्या है, ये बात सही है, सबसे कम ही है ना इसका ग्राफ। द हॉर्स इज़ द फेवरेट एनिमल ऑफ द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, हॉर्स ज़्यादातर बच्चों का फेवरेट है, गलत बात है, हॉर्स थोड़ी है, कौन सा बच्चों का फेवरेट, डॉग, तो हम लगाएंगे फॉल्स। मोर चिल्ड्रन लाइक डॉग्स देन कैट, ज़्यादातर बच्चे कुत्ते को पसंद करते हैं बजाय बिल्ली को, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, डॉग के लिए ज़्यादा है। और मोर चिल्ड्रन लाइक लॉयंस, ज़्यादातर बच्चे जो है शेर को पसंद करते हैं, घोड़े को और कैट्स को, बट टुगेदर देन डॉग्स, पर इकट्ठे जितने ये सारे पसंद करते हैं, उतने ही मिलकर किसको पसंद करते हैं, कुत्ते को, शेर, घोड़ा और बिल्ली, शेर, घोड़ा और बिल्ली, इन तीनों को जोड़ें तो क्या इसके बराबर है, नो, ये तो इसके बराबर नहीं है, तब भी कुछ डॉग वाले ज़्यादा हैं लाइक करने वाले, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है, द पाई चार्ट है ये आराध्या स्पेंड अपनी पॉकेट मनी कैसे कैसे खर्च करती है उसके बारे में दिखाया है, और आंसर देने हैं। आराध्या ने 500 रुपये जो है उसको पॉकेट मनी मिलती है, सेविंग फॉर गिफ्ट फॉर ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए गिफ्ट के लिए इतना बचा के रखती है, पहले हाफ 50% अपनी सेविंग का पॉकेट मनी का किस में खर्च करती है, बाय स्टोरी बुक खरीदती है, पजल बुक खरीदती है और आदि सामानों में, बाकी फिर हाफ का भी हाफ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए रख लेती है, फिर बाकी उस जो जितना ग्रैंड पेरेंट्स के लिए रखा उतना ही ऑर्फनेज में डोनेट, अनाथ आश्रम में डोनेट कर देती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच अमाउंट इज सेव्ड बाय हर फॉर ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्ट एवरी मंथ, 500 रुपये अगर पॉकेट मनी मिली तो 250 ये हो जाएंगे, 500 का हाफ 250, और 250 का हाफ कितना होता है, 125 ये हो गए, तो ग्रैंड पेरेंट्स को कितना मनी देती है वो गिफ्ट में, ₹125। यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पॉकेट मनी इज स्पेंट इन डोनेशन, इस ये फ्रैक्शन में पूछा है, तो ऐसे ऐसे कितने हिस्से बनेंगे इसमें, 4, और 4 में से ये 1, तो दिस वन इज़ 1/4, 1/4। हाउ मच अमाउंट डज ही स्पेंड इन बाइंग बुक्स, किताब खरीदने में कितना समय खर्च, कितना अमाउंट खर्च करती है, 250 रुपीज़, तो यहाँ हो जाएगा आपका 250 रुपीज़। विच क्वालिटीज़ वुड द एसोसिएट विद आराध्या, ये आराध्या का कौन सा गुण दिखाती है, आराध्या कैसी है, ये अपनी पैसे को संभाल कर रखती है, अच्छे से खर्च करती है, ठीक है, आराध्या इज ए गुड गर्ल, कैसी क्वालिटी है ये उसकी, ठीक है, अच्छी डिपॉजिट करने वाली, अपने पैसे को जमा करके रखने वाली, सेविंग, ठीक है, सेविंग नेचर को शो करती है, सेविंग नेचर, ठीक है, और गुड गर्ल है ये। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और आपको रिवीजन स्टेशन भी देख लीजिए, चलो ठीक है, रिवीजन स्टेशन की भी एक्सरसाइज देख लीजिए, ख़त्म हो जाएगी आपकी आज ये चैप्टर। नेक्स्ट अच्छे से दिख रहा है आपको सबको, नेक्स्ट है आपका रिवीजन स्टेशन में, ये फेवरेट आपको दिख रहा होगा अच्छे से, फेवरेट टीवी चैनल ऑफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ में फेवरेट टीवी चैनल के बारे में दिखाया गया है। आंसर द क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसके बेस पर उसके आंसर देने हैं, डिस्कवरी और एनग्राम, निक्की नेटवर्क, रोको, ये हैं इनके नाम हैं, फेवरेट टीवी चैनल के नाम हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, कितने बच्चे इनको पसंद करते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू वॉच रोको, ये इसको कितने बच्चे पसंद करते हैं, यहाँ से देखो इसकी हाइट देखो कितने पर जा रहा है, 60 पर, सो योर आंसर विल बी 60, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को पहला वाला आंसर। नेक्स्ट है अब आपका, विच चैनल इज वॉच द मोस्ट बाय द चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा कौन सा चैनल देखा जाता है, ये आ गया आपका सी नेटवर्क, क्या है, सी नेटवर्क, ठीक है, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन लाइक अनुमा देन निक्की, इसको इस वाले चैनल को निक्की वाले से ज़्यादा कितने लोग देखते हैं, तो इनका डिफरेंस निकालना है, तो ये है आपका है 70 और ये है आपका 20, दिस वन इज 70 - 20, कितना हो गया 50। विच चैनल इज वॉच्ड बाई 40 चिल्ड्रन, 40 बच्चों के द्वारा कौन सा देखा जाता है, डिस्कवर, इस चैनल का नाम लिखना सिर्फ, ठीक है, वॉच टीवी चैनल इज द लीस्ट वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन, विच टीवी चैनल, कौन सा टीवी चैनल सबसे कम बच्चों के द्वारा देखा जाता है, वो निक्की है, NICKY, निक्की, आ गया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट बिल्कुल सेम ऐसा ही है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए,
एक फूड कॉर्नर में रिकॉर्ड किया गया है नंबर ऑफ फूड आइटम क्या क्या उसमें बेचे गए हैं सोल्ड पर्टिकुलर एक निश्चित दिन, बार ग्राफ जो है इसको देखकर बताना है आपको। हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ नूडल्स वर सोल्ड, यहाँ दिखाई दिया पिज्ज़ा, हॉट डॉग, पनीर रैप, नूडल्स और बर्गर, आ गया ना मुँह में पानी, ये 60 हैं पिज्ज़ा और हॉट डॉग कितने हैं 50, पनीर रैप कितने हैं ये है आपके 80, नूडल्स कितने हैं 50 और हाफ 55, बर्गर कितने 75। ठीक है, अब आप शुरू हो जाओ क्वेश्चन पर। हाउ मैनी प्लेट्स ऑफ नूडल्स वर सोल्ड, कितनी नूडल की प्लेट बेची गई नूडल्स में देखो 55, आंसर इज 55। विच आइटम वाज सोल्ड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा आइटम बेचा गया पनीर रैप। ठीक है, क्या क्या इसमें नाम होगा पनीर PANEER पनीर रैप WRAP। हाउ मैनी बर्गर्स वाज सोल्ड, बर्गर कितने बेचे गए 75, आंसर। विच आइटम वाज सोल्ड द लीस्ट, सबसे कम कौन सा बेचा गया हॉट डॉग। ठीक है, नाम लिखना है इसका हॉट डॉग, ये भी खाने की चीज। आउट ऑफ 112 चिल्ड्रन 56, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पाई चार्ट बनाना है, 112 बच्चे हैं इतने चॉकलेट को पसंद करते हैं, इतने बटर स्कॉच को और इतने स्ट्रॉबेरी को और इतने वनीला को और आइसक्रीम को बताना है पाई चार्ट बनाकर। ठीक है, अब इसका भी पाई चार्ट देख लीजिए फटाफट साथ के साथ, क्या करना है आपको 112 बच्चों में से इतने इतने अलग अलग उसमें करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले आपने ग्राफ बनाया, पहले आपके कौन से हैं लाइक चॉकलेट, लाइक चॉकलेट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे लाइक चॉकलेट, कितने बच्चे हैं 56 लाइक करते हैं और टोटल कितने 112। अब ये देखिए ये इसका कितना है वनजा और ये टूजा, 6 2 जा 12 6 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये हो गया 1/2 यानी कि आधे। तो अब आपने सीधा सीधा इस ग्राफ का आधा कर देना है और यहाँ पर आपने ऐसे कोई भी शेड कर देना है, यहाँ क्या लिखना है लाइक चॉकलेट, लाइक चॉकलेट। ठीक है, फिर इसके बाद है इस लाइक बटर स्कॉच 28, बटर स्कॉच लाइक कौन सी वाली आइसक्रीम बटर स्कॉच, बटर SCOTCH इसके हैं 28, तो 28 अपॉन 112 करोगे। ठीक है, इसको फोर जा करो, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 4 2 जा 8 और 3 11, तो कितने बार गया 1 4 जा 1, कितना गया 1/4। तो इसका आधा कर लो और इसमें क्या लिखोगे यहाँ पर आप बटर स्कॉच, इसमें क्या लिखोगे बटर स्कॉच। ठीक है, नेक्स्ट अब बचा है 14 वनीला और 14 ही स्ट्रॉबेरी, अब इसके और हाफ कर दो, 28 का आधा आधा पता है आपको, ये हो गए 14 वनीला वाले और 14 ही कौन से आ गए स्ट्रॉबेरी, बन जाएगा इस तरीके से आप बना लेंगे। फिर इसमें अच्छे अच्छे से कलर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हो जाएगा आपका ऑन ए स्पोर्ट्स डे 120 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट किया इन द स्प्रिंट, 60 इन द जेवलिन, इतने थ्रो जेवलिन थ्रो में थे, 30 जो है शॉर्ट पुट में थे, 30 डिस्कस थ्रो में थे, प्राइज चार्ट ड्रॉ करना है 120 में से। बिल्कुल सेम फोर्थ क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, पहले पाई चार्ट बनाएंगे, टोटल कितने स्टूडेंट टोटल हैं 120, फिर सबसे पहले कौन से हैं जेवलिन थ्रो में, जेवलिन में कितने बता रखे हैं, जेवलिन में है 60 आउट ऑफ 120, तो कितने हो जाएंगे 1/2। फिर नेक्स्ट कौन सा गेम है जेवलिन थ्रो के बाद, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट में देखिए शॉर्ट पुट इसमें कितने बता रखे हैं 30, तो 30 अपॉन 120 जब करेंगे 0 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1/4। ठीक है, फिर आपके 30 ही डिस्कस थ्रो में है, फिर 30 अपॉन 120 करेंगे 1 जा 4 जा 1/4। आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें सिंपल आपको सबसे सिंपल यहाँ पर क्या हो गया, ये जेवलिन वाले इसका हाफ करा, ये शॉर्ट पुट वाले, ये डिस्कस वाले, ख़त्म, आपको इसमें शेड कर देना है। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है,
वर्कशीट भी देख लीजिए इसकी। 40 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास फोर्थ वर आस्क्ड टू कम फॉरवर्ड एंड पुट टैक्टिक अगेंस्ट द फेवरेट सब्जेक्ट इन द ब्लैक बोर्ड द कलेक्ट डॉटर इज गिवन अलॉन्ग साइड। क्लास के 40 बच्चों को आगे आकर कहा कि अपनी फेवरेट सब्जेक्ट पर टिक लगाओ। तो देखो ई स्किल पर कितने बच्चों ने टिक लगाया, मैथ्स पर इतने, में साइंस पर इतने, इंग्लिश में इतने। अब टीचर ने इसका बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया। ई स्किल पर जितने बच्चों ने लगाया उसको देखो 20, काउंट कर लेना 20 होंगे यहाँ तक लिया। फिर मैथ में कितने बच्चों ने लगाया उसको मैथ का शो कर दिया, ठीक है। साइंस में जितने बच्चों ने लगाया 1, 2, 3, 4, 5 देखो यहाँ तक हो गया। इंग्लिश में भी 5 ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन के आंसर, विच इज़ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, नेचुरली जिसके टिक जाता होंगे तो कौन सा होगा यहाँ पर ई स्किल, ठीक है। विच टू सब्जेक्ट आर इक्वली लाइक, दो बराबर कौन से हैं, साइंस और इंग्लिश, दोनों बराबर पसंद नापसंद ही समझ लो, यहाँ तो कम बच्चे हैं। INCE साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज ई स्किल इज 2 times द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ, इज इट ट्रू। ये कह रहा है जो ई स्किल वाले बच्चों का जो संख्या है वो मैथ वाले की डबल है। ये कितनी है आपकी, ये देखो 10 और ये 20, यस, ठीक है, यस इट इज़ ट्रू, यस इट इज ट्रू है, हाँ ऐसा है कि इसकी संख्या ई स्किल वालों की मैथ वालों की डबल है, हाँ और ये बात सही है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस, कह रहा है मैथ पसंद करने वाले बच्चों की संख्या डबल है, इस मैथ सब्जेक्ट पसंद करने वालों की संख्या हाफ है जो लाइक करते हैं कौन सा, साइंस, साइंस वालों की। ये बिल्कुल फॉल्स है, फॉल्स बात है। अब इसमें बताया पाई चार्ट दिखा रखा है, विच इज़ अ पाई चार्ट इज रिप्रेजेंट बाय गिवन डाटा करेक्टली, कौन सा इसमें सही बन रहा है, ठीक है। इस वाले के लिए अगर पाई चार्ट बनाएं तो अब आप पाई चार्ट बनाएंगे तो ये कितने कितने बता रखे हैं, ये वाले हो गए, ये है 20, ये 10, ये 5, ये 5, तो कैसा बनेगा अगर आप पाई चार्ट यहाँ पर देखो मैं बना के बताऊँगा आपका। ये हो गया टोटल कितने हो गए आपके 40, तो 40 के हाफ कर लो तो 20 तो यहाँ आ गए, बाकी बचे इसका भी हाफ करो तो 10 ये हो गए और बाकी इसका भी हाफ करो तो 5 ये और 5 ये, आ गई बात समझ में। यहाँ पर क्या आएगा आपका ई स्किल, यहाँ पर 10 पर क्या आएगा आपका मैथ, 5 पर क्या आएगा साइंस और 5 पर इंग्लिश, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हो कोई फर्क नहीं। अब इस जैसा आपका कौन सा इसमें दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला, समझ में आई बात, क्यों यहाँ पर मैथ कम दे रखा है, तो ये वाला आपका राइट है, सी वाला इज राइट, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। अब आप अपना रिवीजन करेंगे, रिवीजन एक्सरसाइज भेजा करूँगी मैं आपको, ओके, थैंक यू।